अपने ये आप अपना परिचय बता दें। दिनेश यादव, ग्राम सिकरौना। ब्रजेश सिंह को हाईकोर्ट में तलब किया गया है, जबकि इसी मामले में वो बरी हो चुके हैं पहले वाराणसी कोर्ट से। अब क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या कुछ आप लोग रखेंगे मामला? देखिए, हमको अदालत पे भरोसा है और हमको न्याय जरूर मिलेगा। ये संघर्ष जो है हम आज 35-37 साल हो गया करते हुए और अपने बाद दौलत ये संघर्ष करते आ रहे हैं और सरकार की तरफ से हमें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जैसे में अब हमें हाई कोर्ट में सरकारी वकील जो बड़ा होना चाहिए और वो एक नॉर्मल ढंग से जो सरकार इसमें अपना रवैया वो कर रही है। और हमें सरकार से भी अपील करेंगे कि या चाहते हैं कि नहीं इसमें कोई बड़ा सरकारी वकील रखा जाए जिससे हमें न्याय की उम्मीद जग सके। कोर्ट में तलब किया गया ब्रजेश सिंह को, तो क्या आप भी कोर्ट जा रहे हैं? देखिए, एक अपराधी को जब इतनी बड़ी सुरक्षा मुहैया कराई गई है तो फिर मुकदमे के वादनी को क्यों? अब हमें पर्याप्त रूप से सुरक्षा दी जाए ताकि हम वहाँ जाके खड़े हो सकें। ये अपराधी बड़े अपराधी हैं, ये लोग जगह जगह जो है धमकियाँ दिया करते हैं कि मुकदमा जो है जीतने नहीं देंगे, अगर ज़्यादा पैरव भी करने की कोशिश करोगे तो धमकाते हैं कहीं ना कहीं। उसके बावजूद भी हम लोग खड़े हैं क्योंकि इस उम्मीद से खड़े हैं कि हमें आज नहीं तो कल न्याय होगा। अच्छा, ब्रजेश सिंह कहते हैं कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है, हालांकि जब इन्हें बरी किया गया था तो यही आधार बनाया गया था वाराणसी कोर्ट में। आप लोगों का कैसे मानना है कि नहीं वो इस केस में थे? ऐसा है कि ब्रजेश सिंह जो है यहीं पे इनको गोली लगी थी, ब्रजेश सिंह को इनके साथियों के द्वारा, और उसमें जहाँ इनकी गिरफ्तारी हुई है मथेला के बगल में सिंचाई विभाग का बंगला है, तो उसमें जो है गवाह हॉस्टाइल हो गया तो वही गोली लगी थी तब ये जो है पकड़े गए। और उसी दौरान पुलिस कह रही थी कि नहीं जो हम इनको यहीं गिरफ्तार किए हैं, और वो कह रहा था कि नहीं ये लोग साइकिल से जा रहे थे और यहीं पे जो है गिर गए। तो यहाँ गोली लगी थी, पकड़े गए तब मालूम हुआ कि नहीं घटना को ये अंजाम देकर सिकरौरा से आ रहे हैं, फला फला की हत्या हुई, नहीं तो इस घटना का खुलासा ही नहीं हो पाता अगर ब्रजेश सिंह को गोली नहीं लगी होती है, गिरफ्तार नहीं होते। क्या दुश्मनी थी ब्रजेश सिंह से? ब्रजेश सिंह की कोई दुश्मनी हम लोगों से नहीं थी, ना कोई इतनी बड़ी घटना का कोई कारण था कि इतनी बड़ी घटना होगी। हमारे गांव में ब्रजेश सिंह के भाई की ससुराल थी, ब्रजेश सिंह का हमारे यहां बराबर आना जाना था, हम लोग देखे थे। उसके बाद गोली लगने के बाद जो है इनका इलाज होने के बाद पुलिस पकड़ कर लाई थी हमारे यहाँ, जो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं यही ब्रजेश सिंह। तो क्या आप लोग सुरक्षा वगैरह की भी मांग कर रहे हैं? अभी जो अपील किए थे डीएम साहब के यहाँ, जो अपना पत्र वगैरह दिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक हमारी सुरक्षा जो है थाने से मिलती थी उसको भी लोग क्लोज कर लिए दबाव बनाने के चक्कर में। वहीं से इनके भतीजे सदराजा से विधायक हैं, हमारे विधानसभा से 2-2 बार विधायक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक दबाव के चलते हमारी सुरक्षा भी वापस कर ली गई है ताकि ये पूर्ण रूप से पैरवी न कर सके, दबाव में रहें। क्या मामला हुआ था आपके साथ और ब्रजेश सिंह जी को तलब किया गया है हाईकोर्ट में, अब क्या उम्मीदें जगी हैं आपको? अभी बचा अब हमको कोनो मामला न मुकदमा न कोनो झगड़ी न झगड़ा न कोनो विवाद रहल ना, सुख का नींद लगल है सबको सुतल है, तो दुश्मन तो देवर रहना आदमी रहना, नन्ही नन्ही लड़का हमारे दू दू चार चार पाँच पाँच बरस का दुश्मन तब कोनो हमन के कोनो सरकारी कोनो सुविधा ना मिलल कोनो सरकार के तरफ से। कहाँ चाहत नहीं सरकार की तरफ से आप? मुकदमा चल रहा था कुछ हमन सहायता लगी है तब ना कि हमन तो गरीब बाड़ी बचा, हमन के पास का बात दिखता ना बाड़ा, यही कमाद बाड़ी खाद बाड़ी डर डर वाली गिरत बा, टीना का कटकर लगाए के देखा हुआ चट्ठे गोरू रख के सब पड़ल बा, उनहन बाड़ा तो चोर डाकू बाड़ा, उनहन के पास रुपया पैसा बा, सारी व्यवस्था बा, हमहन मेहरारू का जा, हमार न केहू सुनने वाला ना जाना वाला ये बचा, जितनी कोर्ट में बचवा यहाँ से गिरल, अगर रोपले होता तो सब फाइल से लिख भले, सब फाइल लिख भले, बाकी हमारे वो आंसू तो केहू मजूरी दे, मेहरारू रहें कि सबके हमारे पास न रुपया न पैसा।